जय जय माता दी। मित्रों, बड़े से बड़ा या फिर कट्टर कह लीजिए, शत्रु या फिर जिस व्यक्ति के साथ आपका बनता नहीं है, पड़ता नहीं है, इस उपाय को बस कर दीजिए। वह इस तरह से पिघलेगा जैसे कैंडल को, मोमबत्ती को जलाने के बाद पिघलने लग जाता है। इस क्रिया को करने के बाद व्यक्ति के अंदर जो भी कड़वाहट है, भावना बैठा हुआ है उसके मन में, कोई भी चीज़ शत्रुता का हो या फिर नफरत का हो, तुरंत ही पिघल जाएगा और वह व्यक्ति घुटने तक आपके पास आ जाएगा। इस कदर शक्तिशाली है यह प्रयोग, तो सोच समझ कर ही किसी के ऊपर करें। तो इसको करने के लिए कुछ निश्चित नियम हैं, कुछ सामग्री है, तो उन सामग्रियों को जान लीजिए। आपको इस क्रिया के लिए एक नींबू की आवश्यकता है, लोहे का जो कील होता है कम से कम 2 कील चाहिए, काला उड़द कपूर, और एक पुतला बनाना है लाल रंग का जो कि प्रतीकात्मक हो उस व्यक्ति के नाम का। और आपको अब क्या करना है, जो नींबू लिए हो आप उस नींबू को पुतले के ऊपर रखना है और कील को ऐसे लगाना है या ठोकना है कि यह जो कील है नींबू के साथ साथ उस पुतले के अंदर भी चुभे। इसी से उस व्यक्ति के मन के अंदर बैठा हुआ जो भी आपके लिए जो अहम भाव है या फिर घमंड की भावना है वह टूटेगा, वह पिघलेगा। और कपूर को जला करके काले उड़द के पास इसे रखना है और काला धागा बांध करके इस चीज़ को पुतले के साथ नींबू को काला धागा बांध करके सामने रख देना है। और इस उपाय को आपको शुक्रवार के सायं सूर्यास्त के बाद किसी भी दिन कर सकते हैं। एक ही बार का प्रयोग है, चाहे घमंडी व्यक्ति हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, आपके झोली में आ गिरेगा, घुटने टेक देगा आप।